देखो सरफेस एनर्जी के अंदर आप पहले इमेजिन करो, आपके पास एक लिक्विड की सरफेस है और वहाँ पर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी लगी हुई है। अब सरफेस टेंशन की वजह से आपके टॉप के लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जाएंगे? नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे जाएंगे। ये तो नेचर का ही लॉ है ना, हमने थोड़ा बनाया, ये तो नेचर कह रही है कि एयर का मॉलिक्यूल खींच नहीं पाया तो लिक्विड ने लिक्विड के मॉलिक्यूल को खींच लिया और मॉलिक्यूल्स कहाँ आ गए? नीचे आ गए, स्टेबल होने के चक्कर में नीचे आए। पर तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई, तुम्हें ऐसे कैसे नीचे आ गए? तुम ये चाहते हो कि वो एरिया मिनिमाइज ना करें, वो वापस ऊपर आ जाएं। देखो अपने आप तो आएंगे नहीं, तुम जाओ, तुम उनको ऊपर लेके आओ। जब तुम उनको ऊपर लेके आओगे अगेंस्ट नेचर, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि नेचर तो कह रही है कि नेचुरल तरीका क्या बता रहा है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि मॉलिक्यूल्स को नीचे आना है और एरिया को कम करना है। पर तुम गए, तुमने एरिया बढ़ा दिया और मॉलिक्यूल्स को तुम दूर ले गए, जो है ऊपर ले गए, तो तुम्हें वर्क डन करना पड़ा। जब तक तुम वर्क डन कर रहे हो, मॉलिक्यूल तुम्हें ऊपर ही दिखेंगे। जैसे तुमने बंद कर दिया वर्क डन करना, फिर मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब जो तुम्हारा वर्क डन है वो स्टोर हो गया मॉलिक्यूल्स में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचा, वर्क डन, छोड़ा, एनर्जी स्टोर हो गई और स्प्रिंग वापस आ गया। तो इसका मतलब है कि जब आप मॉलिक्यूल्स जो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, आप अगर उन मॉलिक्यूल्स के एरिया को कम करने की बजाय बढ़ा दें, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वही है सरफेस की एनर्जी। सरफेस इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल्स, ये हम कॉन्सेप्ट किस पे लगा रहे हैं? सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे। तो और उसमें क्या स्टोर हो रही है? एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? सरफेस एनर्जी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो देखो ये लिखा हुआ है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस क्या होती है? जो वाटर और जो लिक्विड और एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पोजेसेस मिनिमम एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, फ्री सरफेस मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। मैं ये चाहता हूँ कि एरिया मिनिमाइज ना हो, मैं चाहता हूँ एरिया क्या हो? इंक्रीज हो। एरिया क्या हो? इंक्रीज हो। मॉलिक्यूल्स हैज टू बी ब्रॉट फ्रॉम इंटीरियर टू द सरफेस। मॉलिक्यूल जो हैं उनको नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा, वो खुद नहीं आएंगे। वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल पानी को खींच रहे हैं, पर आप क्या चाहते हो? मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएं, तो तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा। तो दिस वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सर्फेस। तो ये स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी। सो मॉलिक्यूल्स एट द सर्फेस हैव एक्स्ट्रा एनर्जी एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर। ऑब्वियसली जो ऊपर के मॉलिक्यूल तुम लेके आए, तुमने उन पर वर्क डन करके उनकी एनर्जी को बढ़ा दिया, और नीचे वाले तो स्टेबल हैं, उनकी एनर्जी ऑलरेडी कम है। ठीक, तो सरफेस एनर्जी क्या है? जो तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी उसे दी मॉलिक्यूल को नीचे से ऊपर लाने में, जो वर्क डन किया, जो तुमने वर्क डन किया, मॉलिक्यूल जो नीचे चले गए थे उनको ऊपर लेके आए आप और एरिया को बढ़ाया, तो जो तुमने वर्क डन किया पर यूनिट एरिया, कितने एरिया, कितने मॉलिक्यूल्स पे काम किया उसका एरिया ले लो, तो वर्क डन पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ये डेफिनेशन है सरफेस एनर्जी की। पर लेकिन मैथमेटिकली इसको लगाना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डेफिनेशन ठीक है, समझ में आ रहा है कि उसने वर्क डन किया होगा एरिया को बढ़ाने के लिए, और जो वर्क डन है वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बात खत्म हो जाती है, वो सरफेस एनर्जी है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में क्या लेना देना है। एक बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। आप एक फ्रेम लें, ये देख रहे हो, ये आपने एक फ्रेम लिया, और एक स्लाइडर लो। ये स्लाइडर जो है ये स्लाइड कर सकता है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई इसका मास नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप इसको एक सोप फिल्म में डुबो दो, ठीक है, साबुन की फिल्म आ गई पिंक कलर की। एक्चुअल में फिल्म पता हूँ कहाँ थी? फिल्म यहाँ से यहाँ तक थी, बड़ी फिल्म थी, पर हुआ क्या, थोड़ी देर में ये फिल्म छोटी हो गई, क्योंकि एरिया क्या करना है इसने? मिनिमाइज करना है। तो इसको तो हिला नहीं पाई, ये तो फिक्स फ्रेम है, स्लाइडर मूव कर सकता है, तो स्लाइडर अंदर की तरफ चला गया। ठीक है लॉजिक, तो स्लाइडर अंदर चला गया, और अब देखो ये एरिया बड़े से क्या हो गया? छोटा हो गया, और ये स्लाइडर कितना अंदर चला गया? एक्स। और अगर इसकी लेंथ एल है, स्लाइडर की लेंथ एल है, तो डिक्रीज इन एरिया कितना हुआ? एल इंटू एक्स। तो ये डिक्रीज इन एरिया किसने किया? सोप फिल्म के मॉलिक्यूल्स ने किया, मैंने कुछ नहीं किया।
अपने आप ही एरिया क्या हो गया, कम हो गया, घट गया एरिया। एरिया कम हो गया, क्यों कम हो गया? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, राइट। तो मैंने किसी से पूछा, ये बता दो चलो मॉलिक्यूल ने कितनी फोर्स लगाई, यही बता दो। मॉलिक्यूल ने कितनी फोर्स लगाई इसको समझना बहुत जरूरी है। मॉलिक्यूल ने इस तरफ फोर्स लगाई और कितनी फोर्स लगाई, हमने फॉर्मूला किया था फोर्स बाय लेंथ। क्या होती है? सरफेस टेंशन। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। इसकी लेंथ क्या है? एल। और सरफेस टेंशन कितनी है? सिग्मा। तो फोर्स कितनी लगेगी? सिग्मा इंटू एल, क्योंकि एल लेंथ के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस स्लाइडर के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, अपने एरिया को मिनिमाइज कर रहे हैं। पर एक प्रॉब्लम है, एक बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है, बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है, अगर तुम इस सोप की फिल्म को जरा 2 मिनट बाहर निकाल लो 3D में, तो मेरा हाथ सोप की फिल्म है, मॉलिक्यूल सोप के यहां दिख रहे हैं लिक्विड के, माइक्रोस्कोप, और सोप की फिल्म बहुत पतली होती है, बिल्कुल ही पतली, पर तुम अगर माइक्रोस्कोप से देखो लाखों मॉलिक्यूल तैर रहे हैं इसके बीच में, सोप की फिल्म के अंदर ही। तो यहां पर एक सोप की फिल्म है जो एयर के कॉन्टैक्ट में है, जो अपने एरिया को मिनिमाइज कर रही है, उसके अंदर लाखों मॉलिक्यूल हैं, और एक सोप की फिल्म पीछे भी है। इन मॉलिक्यूल्स का इन मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहां पर लाखों मॉलिक्यूल बीच में आ रहे हैं। अब ये भी तो अपने एरिया को क्या करेंगे? मिनिमाइज। ये अलग से स्लाइडर को खींचेंगे और ये अलग से स्लाइडर को खींचेंगे, तो दोनों के दोनों मिलके खींच रहे हैं और बीच में लाखों मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, इस एग्जांपल में 2 फ्री सर्फेसेस हैं। एक फ्री सर्फेस का मतलब लिक्विड जब एयर के यहां कॉन्टैक्ट में है, और दूसरी फ्री सर्फेस जब लिक्विड के मॉलिक्यूल यहां पे कॉन्टैक्ट में है। आप बस ये इमेजिन कर लो, ये क्लास क्लास नहीं है, ये सोप की फिल्म है, ये सोप की फिल्म है ये वाली। थोड़ा और माइक्रोस्कोप से देखो तो यहां भी मॉलिक्यूल्स हैं, बीच में तैरते हुए सोप फिल्म के लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, और आखिरी मॉलिक्यूल है, उधर भी एयर है और इधर भी एयर है। अब देखो यहां पे अलग सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी लग रही है, ये एरिया कम होने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में कुछ नहीं हो रहा अभी, तुम जो है नेट फोर्स तुम्हारे ऊपर जीरो है, और वो एक मॉलिक्यूल्स वो वहां पे है। तो ये मॉलिक्यूल भी इधर खींच रहे हैं, इसके बोर्ड के पीछे वाले मॉलिक्यूल्स भी इधर खींच रहे हैं स्लाइडर को, तो इसलिए ये जो फोर्स है वो कितने हो जाएगी? 2। तो दो दो फोर्सेस लग रही हैं। हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में? यहां पर 2 फ्री सर्फेसेस हैं, एक फ्री सर्फेस आगे है तो दूसरी फ्री सर्फेस पीछे है। क्लियर है यहां तक? तो स्लाइडर वाले केस में आपने फोर्स कभी सिंगल नहीं लेनी, आपने डबल लेनी है, क्योंकि आगे भी एयर है और पीछे भी एयर है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो किसी ने ये पूछा कि ठीक है जी, यहां पर इतनी फोर्स से ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी, ये मॉलिक्यूल्स इस स्लाइडर को लेफ्ट की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं स्लाइडर को वापस ले आऊं, तो मुझे कम से कम सेम फोर्स तो राइट की तरफ लगानी पड़ेगी ताकि मैं स्लाइडर को एक्स डिस्टेंस वापस ले आऊं। कम से कम इतनी फोर्स, ज्यादा लगाऊंगा अच्छी बात है, कम से कम ये तो मुझे लगानी ही है। तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसके एरिया को बढ़ाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जो मेरी अप्लाइड फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, और 2 इसलिए क्योंकि 2 फ्री सरफेस है, और मैंने कितना वर्क डन किया? एफ इंटू एक्स। एफ तुम्हें पता है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया? वर्क डन आ गया। ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। ये वर्क डन किसने किया? ये मैंने किया, क्योंकि मैंने एरिया को क्या किया? बढ़ा दिया। लॉजिक क्लियर है? अब कितना एरिया बढ़ाया? किसने पूछा सर आपने एरिया कितना बढ़ा दिया? मैंने कहा देख, एल इंटू एक्स। पर एक प्रॉब्लम है, एल इंटू एक्स एरिया यहां बढ़ा, और उतना एरिया बैक सरफेस पे भी बढ़ा, एल इंटू एक्स बैक पे भी बढ़ा, क्योंकि इसमें कितनी फ्री सरफेस है? 2। तो दोनों फिल्म काम कर रही है यहां पर, एक्चुअल में 2 सरफेस है, एक इधर है और एक इधर है, दोनों के दोनों एरिया को इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज इन एरिया एल इंटू एक्स नहीं है, 2 है। तो फिर सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन क्या सिखाई थी अभी? वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मैंने वर्क डन इतना किया था भी निकाल दिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया 2 से निकल गया, 2LX कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? सरफेस टेंशन। एक रिजल्ट आ गया, सरफेस एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल है? जितनी लिक्विड की सरफेस टेंशन है। अगर तुम्हें लिक्विड की सरफेस टेंशन मान लो 0.75 गिवन है, तो तुम उस लिक्विड की फोर्स भी निकाल सकते हो, और उस डेफिनेशन से तुम उस लिक्विड की सरफेस एनर्जी भी निकाल सकते हो। बात एक ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम।
तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली इस रिजल्ट में हमने क्या किया, रिजल्ट में ये किया कि सरफेस एनर्जी इज वर्क डन बाय इंक्रीज इन एरिया होता है, और सरफेस एनर्जी की वैल्यू न्यूमेरिकल में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो किसके इक्वल सब्सटीट्यूट कर देनी है, इक्वल टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन रिप्लेस करके आंसर आएगा। अब कॉन्सेप्ट थ्योरी में तो हो गया और आपने डेफिनेशन भी याद कर ली, मैं आपको प्रैक्टिकली लगा के दिखाता हूं कि इसके तीन किस्म के न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और यही आएंगे और इस टाइप के ही आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कराने जा रहा हूं, कि न्यूमेरिकल जो आएगा वो ऐसा कुछ नहीं आएगा, न्यूमेरिकल अब जो मैं करा रहा हूं उसको समझना क्या आएगा। ठीक,